इंडिपेंडेंटली इंडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है देश के अंदर। आत्महत भारत को मिल रहा है बढ़ावा सुखोई लड़ाकू विमान बनाने के लिए HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक बॉन्ड साइन हो चुका है। सरकार की एक नई योजना के मुताबिक मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सैन्य उपकरण डिफेंस इक्विपमेंट्स पर इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। इस कड़ी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिया है। केंद्र सरकार इन दिनों मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस सेक्टर को खासा जोर डाल रही है। सरकार की नई योजना के मुताबिक मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सैन्य उपकरण के इंपोर्ट पर बैन लगाया जा रहा है। इस कड़ी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ने आज ही बेंगलुरु में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध के मुताबिक बेंगलुरु में सुखोई लड़ाकू विमान के एक लॉन्ग रेंज डुअल बैक इंफ्रारेड सर्च एवं ट्रैक सिस्टम IRST के सह विकास और सह उत्पादन के साथ ही एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। यह अनुबंध मेक इन इंडिया के हिस्से मतलब एक रूप में काम करेगा। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित IRCT प्रणाली डिफेंस के क्षेत्र में उच्च स्तरीय रणनीतिक टेक्नोलॉजी उत्पादक है और उत्पाद भी है और वैश्विक बाजार में मौजूदा IRCST प्रणाली के तकनीक रूपी प्रतिस्पर्धा होगी और ये प्रणाली भारतीय इंडियन एयरफोर्स के सिस्टम को बढ़ाएगी। इस सिस्टम में हवा से हवा हवा से जमीन टारगेट ट्रैकिंग और टेलीविज़न डेक कैमर और लेजर सेंसर जैसी ऑन फैसिलिटीज़ में होंगी। सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफर परीक्षण हुआ था। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने पिछले सप्ताह अपनी जोरदार तैयारियों का प्रदर्शन दिखाते हुए मंगलवार को पूर्वी समुद्री तट पर सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। वायुसेना ने कहा था कि मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना के साथ निकट समन्वय में किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि मिसाइल ने सटीकता के साथ लक्ष्य पर निशाना साधा। यहाँ पे आप सभी लोगों का एक ध्यान लेके जाना चाहूँगा, जो लोग ये सोचते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास जितने स्क्वाड्रन्स होने चाहिए उतने स्क्वाड्रन नहीं है, तो क्या इंडियन एयरफोर्स कमज़ोर होगी या उसके अटैक करके आराम से हम इंडियन एयरफोर्स को कमज़ोर कर सकते हैं? तो ऐसा आप मत समझिएगा, ठीक है। जो लोग ऐसा भी अपने माइंड में रखते होंगे, किसी और कंट्री से देखते हैं तो वो ऐसा सोचते ज़रूर हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ, सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है, और ये इंडियन एयरफोर्स ने किया है और किसी ने नहीं किया है। मिसाइल ने भारतीय नौसेना के सेवामुक्त हो चुके जहाज़ पर भी सीधा प्रहार किया। इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि पूर्वी समुद्री तट पर सुखोई, देखिए पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है, ठीक है, दो हमारे नीचे के कोस्टल एरियाज होते हैं, पूर्वी तट होता है, पश्चिमी तट होता है, तो ये पूर्वी तट पर सुखोई 30 MKI विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था। मिसाइल ने लक्ष्य के तहत भारतीय नौसेना के सेवामुक्त हो चुके जहाज पर सीधा प्रहार किया। इंडियन नेवी के साथ निकट समन्वय के साथ ये परीक्षण हुआ है। बता दें कि सरकार ने 2016 में ब्रह्मोस के हवा से करने में सक्षम संस्करण को 40 से अधिक सुखोई लड़ाकू विमानों में जोड़ने का निर्णय किया था। इस परियोजना की कल्पना समुद्र या जमीन पर किसी भी लक्ष्य पर बड़े स्टैंड ऑफ रेंज से हमला करने की क्षमता इंडियन एयरफोर्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई है। इंडियन नेवी ने 5 मार्च को हिंद महासागर में किस्टिल से विध्वंसक पोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। मिसाइल का परीक्षण स्टिल से विध्वंसक INS चेन्नई से किया गया था। अब भारत तहलका मचा रहा है और भारत की जो तहलका मचाने की रणनीति है, मैंने आपको, आप अगर मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो आप देखे ही होंगे DRDO के 40 वीडियोस, 50 वीडियोस, 60 वीडियोस, लगातार परीक्षण, लगातार टेस्टिंग, लगातार नोटाम, इस तरह के परीक्षण होते रहते हैं। और अब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भी अपने तेज रुख में आ चुकी है और दुश्मनों के लिए यही बहुत बड़ी सबक और चिंता वाली बात है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है और इंडियन एयरफोर्स के इस कमाल के क्रिएटिविटी पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।